हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल सिविल की पाठशाला में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैं सर्वे से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसी के क्रम में दोस्तों, मैं सर्वे से 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। दोस्तों, इस चैनल पर मैं सर्वे के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया हूँ। उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यहाँ से आप उस सभी वीडियो को जो मैं डिस्कस किया हूँ आप देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो मैं 50 क्वेश्चन बनाया था और इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, कुल मिलाकर लगभग 100 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, जो सर्वे के दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं या और पढ़ लेते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC JEE का हो, रेलवे JEE का हो या किसी भी JEE का एग्ज़ाम हो, आप उसमें उस एग्ज़ाम में स्कोरिंग करने में बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें, क्योंकि दोस्तों मैं आज सर्वे से संबंधित वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद मैं दोस्तों किसी और टॉपिक पर मतलब सर्वे से संबंधित आप बना ही दिया हूँ। इसके बाद मैं SVM, RCC, CT, BM यानी सर्वे सिविल से कई सब्जेक्ट को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सिविल की पाठशाला में। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, द 2 पॉइंट आर 3 पॉइंट प्रॉब्लम आर मेथड ऑफ। तो दोस्तों, इसका सही होगा ओरिएंटेशन एंड रिसेक्शन। तो इस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा, ए एंड बी एबाव। और दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें दिया हुआ, द मेथड यूज टू ओरिएंट ए प्लेन टेबल एट ए विथ रेफरेंस टू टू इंसिजिबल पॉइंट ए एंड बी इज। मतलब दोस्तों कि कोई भी अगम्य बिंदु ए एंड बी है और उसकी सहायता से हमें कोई प्लेन टेबल किसी बिंदु पर स्थापित किए हैं और ओरिएंट करना है। तो वह मेथड क्या कहलाता है? वह मेथड दो बिंदुओं की सहायता से किसी भी बिंदु पर स्थापित प्लेन टेबल को ओरिएंट करने के लिए जो मेथड है वह क्या है? 2 पॉइंट प्रॉब्लम। यानी इस वीडियो का दोस्तों इसे सेकेंड क्वेश्चन का डी सही होगा, 2 पॉइंट प्रॉब्लम। और दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ ए प्लेन टेबल इज डन बाई, जो एक्यूरेट सेंटरिंग किया जाता है प्लेन टेबल में वो किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, वो किया जाता है प्लम्बिंग फॉर्क इसके सहायता से। दोस्तों, आप देखेंगे तो अगर कहीं चित्र आपको दिखेगा तो ऐसे दिखेगा, ये प्लम्बिंग फॉर्क ऐसे होता है, ये यूँ होता है, फिर ये यूँ जाके ऐसे लटका रहता है। और ये जो है, ये दोस्तों ये प्लेन टेबल, मान लीजिए ये प्लेन टेबल है, तो ये इसको कहीं यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ पे प्लम बॉब लगा होता है, साउल तरीके का लगा होता है, तो ये होता है एडजस्टमेंट। और दोस्तों, मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। सेकेंड टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट टू बी डन आफ्टर सेटिंग अप द प्लेन टेबल एट एनी स्टेशन विल बी। तो दोस्तों, जो सेकेंड लेवल स्थापित करने के बाद जो सेकेंड एडजस्टमेंट होता है वह क्या होता है? सेंटरिंग एंड लेवलिंग डन सिमेट्रिकली। मतलब जो सेंटरिंग और लेवलिंग होता है वह दोनों एक साथ किया जाता है। तो चौथे क्वेश्चन का दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पांचवे क्वेश्चन की बात करते हैं। इन प्लेन टेबल सर्वे द मेथड यूज फॉर लोकेटिंग द प्लेन टेबल स्टेशन इज। इन प्लेन टेबल सर्वे में प्लेन टेबल स्टेशन को लोकेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? रेडिएशन और इंटरसेक्शन। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। अब दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, छठवें क्वेश्चन की। इसमें दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर इज मोर सीवियर इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो दोस्तों, इस छठवें क्वेश्चन का जो सही होगा वह होगा डिफेक्टिव ओरिएंटेशन। ये डिफेक्टिव ओरिएंटेशन जो है छठे क्वेश्चन का सही होगा। डिफेक्टिव ओरिएंटेशन के कारण जो है बहुत सीवियर एरर आता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। अब हम सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। इवन द ओरिएंटेशन ऑफ ए प्लेन टेबल बाई सॉल्विंग 2 पॉइंट प्रॉब्लम इज वनली एडॉप्टेड व्हेन। इसमें दिया हुआ है, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल बाय सॉल्विंग 2 पॉइंट प्रॉब्लम इज वनली एडॉप्टेड व्हेन। क्या पहला ऑप्शन दिया हुआ है? सेविंग टाइम इज मेन फैक्टर। बी ऑप्शन दिया हुआ, बेटर एक्यूरेसी इज मेन फैक्टर। तीसरा दिया हुआ, सी डिटेल आर सिंपल। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, गिवन पॉइंट आर इंसेसिबल। तो सातवें क्वेश्चन का दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा, गिवन पॉइंट आर इंसेसिबल। और दोस्तों, आठवें हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है, ए लेवल लाइन इज, जो लेवल लाइन होता है वह क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ, लेवल लाइन के
क्या होता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरिकल स्फेरिकल सरफेस ऑफ अर्थ, यानी जिसे मान लीजिए ये कोई पृथ्वी आपकी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए कोई पृथ्वी है। अब पृथ्वी के पैरेलल ये जो सरफेस है इसको क्या कहते हैं, लेवल लाइन कहते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं, इसको इसको कहते हैं लेवल लाइन। यानी पहले ऑप्शन जो है वो सही है। दूसरा दिया हुआ है लाइन नॉर्मल टू द प्लम्ब ऑफ लाइन एट ऑल पॉइंट, यानी ये बी ऑप्शन भी सही होगा, यानी जब यहाँ पे आप सॉल्व लटकाएंगे तो ये नॉर्मल होगा, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा ये ऐसे ऐसे, तो ये बी ऑप्शन भी सही होगा। तो 8वें क्वेश्चन का कौन सा सही होगा, टी ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी। और हम 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा है कि ये स्टॉप रीडिंग टेकन ऑन द बेंच ऑन ए बेंच मार्क और चेंज पॉइंट इज नोन एज, तो दोस्तों इसका जो सही होगा वो क्या होगा, बैक साइड, यानी ए ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी बेंच मार्क या किसी चेंजिंग पॉइंट पर किसी भी स्टाफ की जो पहली रीडिंग होती है वो किस में जाती है, वो बैक साइड में जाती है, किस में जाती है, बैक साइड, BACKSIGHT बैक साइड में जाती है। और जो लास्ट रीडिंग ली जाती है, यानी किसी भी लेवल की तरह जो लास्ट रीडिंग ली जाती है वो किस में जाती है, वो फोर साइड में जाती है, किस में जाती है, फोर साइड, यानी किसी लेवल की स्थापना के बाद जो पहली रीडिंग लेते हैं वो किस में जाती है, बैक साइड। और किसी भी लेवल स्थापना के बाद जो अंतिम रीडिंग लेते हैं उसको किस में जाती है, फोर साइड में। तो दोस्तों इस दोनों चीज़ का आप ध्यान रखिए, पहला ये दूसरा। इसमें दिए हुए 10वें क्वेश्चन में द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेकन ऑन ए टर्निंग पॉइंट इज क्या होता है दोस्तों, बैक साइड, यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो लिया जाता है इसका मतलब वो बैक साइड कहलाता है। तो 10वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द बेंच मार्क इस्टेब्लिश्ड बाई द सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट विथ वेरी हाई प्रिसीजन विथ रेफरेंस टू मीन सी लेवल इज नोन एज, दोस्तों जो सर्वे विभाग के द्वारा जो स्थापित किया जाता है, जो बेंच मार्क स्थापित किया जाता है मीन सी लेवल के रेफरेंस में, उसको क्या कहते हैं, परमानेंट बेंच मार्क है दोस्तों, कहते हैं क्या कहते हैं, परमानेंट बेंच मार्क, यानी 11वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों मैं 12वें क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसमें दोस्तों द लास्ट स्टाफ रीडिंग टेकन फ्रॉम एनी लेवलिंग स्टेशन टू द लेवलिंग स्टाफ इज कॉल्ड, यानी जो लास्ट स्टाफ रीडिंग होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो फोर साइड होता है। अभी मैं आप ऊपर के क्वेश्चन में बताया था आपको, यानी जो पहली रीडिंग ली जाती है किसी भी लेवल स्थापना आपने किया, जो पहली रीडिंग ली आपने वो किस में जाता है, वो बैक साइड में जाता है। लेकिन किसी भी लेवल स्थापना के बाद जो आपने अंतिम रीडिंग लेते हैं वो किस में जाता है, वो फोर साइड में जाता है। तो उसी चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द वाटर सरफेस ए स्टील पॉन्ड रिप्रेजेंट ए, जो तालाब का जो पानी होता है वो किसको किसको रिफ़र करता है, तो दोस्तों वो जो रिप्रेजेंट करता है वह लेवल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी 13वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब हम 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं, रीडिंग ऑफ द मैट्रिक लेवल स्टाफ कैन बी टेकन एक्यूरेटली अप टू, यानी जो लेवलिंग स्टाफ आपका होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो दोस्तों उसका लिस्ट काउंट जो होता है वह होता है डी ऑप्शन सही है, यानी 0.005 मीटर, यानी जो इसका लिस्ट काउंट होता है वह कितना होता है, 5 mm तक होता है लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट जो होता है 5 mm तक होता है। जैसे मान लीजिए एक स्टाफ है, ये आप कभी स्टाफ देखेंगे तो इस पर जो पट्टी पड़ी होती है, कभी एक सफ़ेद फिर ब्लैक फिर सफ़ेद फिर ब्लैक, तो ऐसे करके पट्टी पड़ी होती है, तो जो एक पट्टी की चौड़ाई होती है, यानी जो एक पट्टी की चौड़ाई है, जो एक पट्टी की जो मोटाई सॉरी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 0.5 mm, और मतलब 5 mm होती है, तो इसलिए इसका जो लिस्ट काउंट होता है वह कितना होता है, 0.005 मीटर, यानी 14वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें दिया हुआ द करेक्शन इन एलिवेशन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, जो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण जो करेक्शन होता है वो कितना होता है, किसके रिफरेंस किसका रिफ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है, D² / R, यानी इस 15वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, कितना होगा, D² / 2R, क्योंकि CC जो होता है करेक्शन पर कर्वेचर ये होता है D²
डी स्क्वायर अपान 2R होता है, और जो करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन होता है वो कि सी आर बराबर कितना होता है, 1/7 cc होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कितना आ गया, डी स्क्वायर अपन आर। तो यही है यहाँ पे दिया 15 क्वेश्चन का, डी स्क्वायर अपन आर, यानी 15वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन है, डी स्क्वायर अपन आर। फिर इसमें 16वें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ये करेक्शन फॉर एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन इच, जो रिफ्रैक्शन के कारण जो दोस्तों एरर आता है वह कितना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रिफ्रैक्शन के कारण जो एरर आता है वह होता है 0.01122 डी स्क्वायर मीटर में, यानी 16वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी जो सी आर यानी करेक्शन पर रिफ्लेक्शन होता है वह कितना होता है, 1/7 cc। मैं दोस्तों सॉरी, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, यानी 16वें क्वेश्चन का जो सही होगा उस कितना सही, 0.01122 डी स्क्वायर मीटर में, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ सी आर बराबर कितना होता है, 1/7 cc, 1/7 cc होता है, जो सी सी का मान होता है कितना होता है, सी सी बराबर होता है 0.0785 डी स्क्वायर, ठीक है। जो डी दोस्त होता है वह डी किस में होता है, जो डी होता है वह कितने किस में होता है, वह किलोमीटर में होता है, और सी सी का जो मान आता है वह कितने किस में आता है, वह मीटर में आता है, ठीक है। दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वें क्वेश्चन, इसमें दिया होता है कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड अर्थ कर्वेचर इच, जो कंबाइंड करेक्शन होता है कैसा होता है। तो दोस्तों वह निगेटिव हमेशा होता है, जो कंबाइंड करेक्शन आता है वह निगेटिव, यानी 17वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही, सब्सट्रैक्टिव। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे जो सी सी करेक्शन फॉर कर्वेचर वो कितना है, माइनस में 0.0785 मीटर डी स्क्वायर मीटर में आता है, और जो सी आर होता है करेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन होता है वह कितना, तो वह प्लस में आता है, वो कितना होता है, 0.0112 डी स्क्वायर, यानी जब इसको आप प्लस करेंगे, यानी इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जो प्लस करेंगे वो वैल्यू कितना जितना भी आएगा, लेकिन वो आएगा किस में, वो माइनस में आएगा, यानी इस वैल्यू को इस वैल्यू को जो प्लस करेंगे तो किस में आएगा, वो माइनस में आएगा, इसलिए यहाँ क्या होता है, सब्ट्रैक्टिव होता है, यानी निगेटिव होता है, यानी 17वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे दोस्तों हम 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ द एरर इन लेवलिंग ड्यू टू अर्थ कर्वेचर आर, जो अर्थ के कर्वेचर के कारण जो एरर आता है वो किस में होता है, वो दोस्तों वह पॉजिटिव होता है, यानी 18वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा, पॉजिटिव। अब आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ये अर्थ आपका, यहाँ पे कोई लेवल स्थापित किया गया है, यहाँ पे स्टाफ है, तो दोस्तों जो हमको पढ़ना चाहिए था वो हमको सही सही रीडिंग ये यहाँ पढ़ना चाहिए, लेकिन हमने पढ़ते किस में, यहाँ पढ़ते हैं, यानी इतने का डिफरेंस आता है। तो दोस्तों अगर हम कोई भी रीडिंग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कोई भी रीडिंग अगर ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, कहते हैं हम वह पॉजिटिव जा रहा है, यानी उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे जो एरर होगा वह क्या होगा, वह पॉजिटिव होगा, यानी हमको पढ़ना चाहिए था यहाँ तक ही रीडिंग, लेकिन हमने पढ़ा कहाँ तक है, यहाँ तक रीडिंग पढ़ा हमने, इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ हम फिर 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा हुआ है द सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाई, जो बबल ट्यूब में जो सेंसिटिविटी होती है वो किसके द्वारा इंक्रीज की जाती है, तो दोस्तों वह इंक्रीज की जाती है, पहला ऑप्शन है डिक्रीजिंग द रेडियस, ये नहीं होगा, दूसरा दिया हुआ है डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ बबल, इसमें भी नहीं होगा, सी ऑप्शन दिया हुआ इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ट्यूब, डायमीटर का जो ट्यूब होता है उसको जब इंक्रीज कर देंगे हम, तो बबल जो होगा और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने के मतलब वह ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, पहला ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज, क्या ये इंक्रीज होगा, नहीं दोस्तों इंक्रीज नहीं, क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो उसमें लिक्विड पड़ी होती है वह फैल जाती है, यानी वह और कम डेंस हो जाती है, जिसके कारण उसकी बबल जो ट्यूब होती है, बबल ट्यूब की जो वो
वो होती है जो बबल होती है वो क्या हो जाती है, वो छोटी हो जाती है, जिसके कारण वो सेंसिटिव नहीं रह जाती है, इसलिए इंक्रीज नहीं होगी। दूसरा दिया हुआ है डिक्रीज, क्या बबल ट्यूब की टेम्परेचर के कारण डिक्रीज हो जाती है? यस, यानी बीसवें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, डिक्रीज होती है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका बबल जो होगा वह क्या होगा, छोटा हो जाएगा, इसलिए उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वह डिक्रीज होती है, यानी घट जाती है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा हुआ द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड इच, पहला ऑप्शन दिया हुआ है लेस टेडियस, जी यह लेस टेडियस रहता है। बी ऑप्शन दिया हुआ मोर रैपिड, जी मोर रैपिड होता है। तीसरा दिया हुआ है इंक्लूड्स लेस कैलकुलेशन, जी हाँ यह राइज एंड फॉल मेथड से कम कैलकुलेशन लेता है, इसलिए ये 21वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। अब फिर हम अगले क्वेश्चन की बात की, इसमें लिखा हुआ है द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेबलिंग प्रोवाइड ए कम्प्लीट चेक ऑन, वो सभी पे कंप्लीट चेक करवाता है, जैसे पहला बैक साइड, यानी बैक साइड भी चेक करवाता है, फोर साइड भी चेक करवाता है, इंटरमीडिएट साइड भी, यानी जो राइज एंड फॉल मेथड होता है उसको, उससे हम क्या है सभी बिंदुओं पर चेक कर सकते हैं, जबकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में ऐसा नहीं हो सकता। और हम फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ इन केस ऑफ लेवलिंग बैक साइड इच, इन केस ऑफ द लेवलिंग बैक साइड इच क्या है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए फिक्स्ड पॉइंट इज नॉन एलिवेशन, नहीं। दूसरा दिया हुआ द फर्स्ट स्टॉप रीडिंग टेकन आफ्टर सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट, यानी लेवल को स्थापित करने के बाद जो पहली रीडिंग जाती है वह है, तो 23वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, यानी लेवल को स्थापित किया आप और लेवल को स्थापित में जो पहली रीडिंग ली है वो किस में जाएगा, बैक साइड में जाएगा, यानी 23वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा हुआ कि इंस्ट्रूमेंटल एरर इन लेवलिंग इज एरर ड्यू टू, इंस्ट्रूमेंटल जो एरर होता है वह एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट, स्लगिश बबल, मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव स्लाइड, और डी दिया हुआ ऑल ऑफ द एबव, यानी डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें दिया हुआ है द रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट, रेसिप्रोकल लेवलिंग करके एलिमिनेट क्या एलिमिनेट किया जाता है, क्या क्या सही किया जा सकता है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, जी हाँ कर्वेचर और रिफ्रैक्शन को समाप्त किया जा सकता है। बी दिया हुआ कॉलिमेशन एरर, जी हाँ कॉलिमेशन एरर को भी समाप्त किया जा सकता है, यानी 25वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा, ए एंड बी एबव। और फिर हम 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है द कंबाइंड करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन एंड अर्थ कर्वेचर इच, वह कितना है दोस्तों, तो वह जो 200 होता है तो कितना होता है कंबाइंड करेक्शन, जो कंबाइंड करेक्शन होता है वह होता है 0.06735 मीटर डी स्क्वायर, तो ये दोस्तों यानी 26वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। इसमें कह रहे हैं दोस्तों इफ द बैक साइड एंड फोर साइड डिस्टेंस आर केप्ट इक्वल ड्यूरिंग लेवलिंग ऑब्जर्वेशन देन द इफेक्ट ऑफ बोथ रिफ्लेक्शन एंड अर्थ कर्वेचर विल बी, तो दोस्तों अगर बैक साइड और फोर साइड डिस्टेंस जो बराबर रखा जाता है तो जो बोथ मतलब रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर, रिफ्रैक्शन और कर्वेचर के कारण जो एरर होता है वह कितना हो जाएगा, वह दोस्तों 0 हो जाएगा, यानी 27 क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। 28वां क्वेश्चन दिया हुआ है लेवलिंग अक्रॉस ए रिवर इज डन बाई, तो जो ये क्वेश्चन है इसका कौन सा सही होगा, रिसिप्रोकल लेवलिंग, यानी जो लेवलिंग अक्रॉस ए रिवर इज डन बाई रिसिप्रोकल लेवलिंग। तो 29वें क्वेश्चन की बात करते हैं, इन लेवलिंग ए स्टेशन इज ए पॉइंट वेयर, लेवलिंग में स्टेशन वह पॉइंट होता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्टॉप प्लेट, यानी जहाँ स्टॉप रखा, जी हाँ जहाँ पे स्टॉप रखा जाता है उस लेवलिंग में उसको स्टेशन कहते हैं, ना कि जहाँ पे हमका हमारा ये लेबल सब किया जाता है उसको हम स्टेशन नहीं कहते हैं, हम किसको स्टेशन कहते हैं, जहाँ पे हमारा स्टॉप रखा जाता है, यानी 29वें क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। फिर हम 30वें क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा हुआ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव कंटूर इज नोन एज, जो दोस्तों वर्टिकल डिस्टेंस होता है, वर्टिकल जो डिस्टेंस मान लीजिए कोई कंटूर ये है, एक कंटूर ये है और एक कंटूर ये है, जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है मान लीजिए इसका RL है 99, इसका है 97, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस यानी 2 मीटर का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं,
हर्जेंटल इक्विलेंट नहीं, हर्जेंटल इक्विलेंट नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं, कंटूर इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटूर इंटरवल। यानी तीसरे क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, कंटूर इंटरवल, वर्टिकल डिस्टेंस। अगर ये हर्जेंटल डिस्टेंस पूछता, यानी इस लेवल लाइन से, अरे इस कंटूर लाइन से और इस कंट्रोल लाइन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछता, हॉरिजॉन्टल दूरी जो पूछती उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। और फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 31वें क्वेश्चन की। इसमें दिया है ए सीरीज क्रॉस कंट्रोल लाइन ऑन द मैप विथ लोअर टू हायर वैल्यू इन साइड देम रिप्रेजेंट ए। तो दोस्तों वह अगर मान लीजिए कोई कोई कंटूर ऐसे है, ध्यान देखिएगा, ये ऐसे है और कह रहा है जो कंट्रोल लाइन है वह विथ लोअर टू हायर, मान लीजिए लोअर टू हायर, मान लीजिए 97 है जो इसका है, कितना है 98 है और इसका जो है 99 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो दोस्तों ये एक हिल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 31वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें दिया हुआ कंटूर लाइन ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन यूनिट टू फॉर्म वन लाइन ओनली इन द केस ऑफ। तो 32वें क्वेश्चन का दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा, वर्टिकल क्लिप। जहाँ पे वर्टिकल क्लिप हो दोस्तों होता है वहाँ पे कंटूर लाइन जो है एकदम मिल जाती हैं, तो वर्टिकल क्लिप आप लोग दोस्तों याद रखेगा। तो 32वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। 33वें क्वेश्चन की बात करें, द कंट्रोल लाइन आर परपेंडिकुलर टू द, तो दोस्तों जो कंट्रोल लाइन होती है दोस्तों वो आप याद करिएगा, रिज लाइन और वैली लाइन, यानी रिज लाइन और वैली लाइन दोनों पे परपेंडिकुलर होती हैं, यानी इस 33वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। और फिर हम 34वें क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें दिया क्लोज कंट्रोल विथ हायर वैल्यू इन साइड रिप्रेजेंट ए। तो वही है दोस्तों, अगर हायर वैल्यू अंदर है तो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगी? हिल को। 34वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फिर 35वें क्वेश्चन का दिया हुआ है, द कंटूर विच आर पैरेलल आर इक्विडिस्टेंस ऑन एन एरिया देन एरिया शुड बी। तो एरिया जो होती है, अगर कोई भी कंटूर है वह बराबर दूरी पर और पैरेलल है, ठीक है, और बराबर दूरी पे और पैरेलल है, तो वो एरिया कैसा होगा? यूनिफॉर्म स्लोप होगा, यानी 35वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। फिर 36वें क्वेश्चन में हम बात करते हैं, इसमें दिया हुआ है एबल ट्यूब विथ डिवीजन ऑफ 2 mm एंड ए रेडियस ऑफ 1 meter है द सेंसिटिविटी ऑफ। तो 2 mm अपॉन 1 meter, 1 meter में 1000 mm होते हैं, इंटू 1000, तो आ जाएगा 1 × 500, तो कितना होगा 1/500 रेडियन। अब हम 37वें क्वेश्चन की बात करते हैं, वेन ए लेवल इज एडजस्टेड विथ द बबल इन द सेंटर द एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब बिकम पैरेलल टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन के बराबर होता है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन के पैरेलल होता है, यानी 37वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। फिर 38वां दिया हुआ है, द ट्यूबलाइज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल वर्टिकल एंगल बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा, यानी ट्यूबलाइट के द्वारा हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल ले सकते हैं। फिर हम 39वें क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें दिया है पैरेलैक्स मे बी एलिमिनेट बाई, जो पैरेलैक्स होता है उसकी वो कैसे एलिमिनेट किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया फोकसिंग ऑफ द आई पीस, जी हाँ, फोकसिंग के द्वारा पैरेलैक्स को एलिमिनेट किया जाता है। दूसरा दिया ऑब्जेक्टिव के फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जी हाँ, फोकसिंग के ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकसिंग के द्वारा एलिमिनेट किया जाता है। सी दिया बोथ ए एंड बी एबाव, यानी 39वें क्वेश्चन का सी सही होगा, बोथ ए एंड बी एबाव। फिर हम 40वें क्वेश्चन की बात करते हैं, एरर इन साइटिंग एंड रीडिंग इस टर्म एज, जो एरर होता है साइटिंग देखने और पढ़ने के कारण जो एरर होता है वो किस में आता है दोस्तों? वह आता है पर्सनल एरर में, यानी 40वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। फिर दिया हुआ 41वें का, एन एनालिटिक लेंस इज, वह क्या वो कैसा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है, यानी 41वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। फिर दिया हुआ 42 का, मेन टाइप ट्रांजिशन कर्व विल बी गिवन बाय द इक्वेशन L/2R, यानी 42वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही, L/2R।
फिर 83 क्वेश्चन में दिया हुआ है मेन टाइप ट्रांजिशन कर्व आर, मेन टाइप ट्रांजिशन कर्व आर कौन सा कर्व है मेन टाइप? दोस्तों यहाँ पे सभी मेन कर्व हैं, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, यानी 43 क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा, यानी लेमनस्केट, क्यूबिकल स्पायरल, क्यूबिकल पैराबोला, और तीनों जो होता है मेन टाइप के ट्रांजिशन कर्व होते हैं। अब हम बात करें 44 क्वेश्चन की, द रूट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेंट्रिफ्यूगल रेशियो इज टेकन टू बी 1/4, यानी 44 क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं 45 क्वेश्चन की, इसमें दिया हुआ है ए सिंपल कर्व इज डिजिग्नेट बाई, तो दोस्तों जो सिंपल कर्व होता है वो किसके द्वारा डिजिग्नेट किया जाता है? डिग्री ऑफ कर्व, यानी 45 क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा।